तुमसे अच्छा कौन है फेम नकुल कपूर बन जाते सुपरस्टार, लेकिन एक अफवाह ने बर्बाद कर दिया था नकुल कपूर का पूरा करियर। वक्त था साल 2002 का, जहां बॉलीवुड का नया हैंडसम लड़का अपनी किस्मत चमकाने आया था, जिनका नाम था नकुल कपूर। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से जो स्टारडम हासिल किया था वो शायद ही किसी और के नसीब में आया हो, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हो गया कि नकुल पर्दे से पूरी तरह से गायब हो गए। दरअसल नकुल कपूर ने अपने करियर की शुरुआत सन 1998 में हो गई मोहब्बत तुमसे एल्बम से की थी। साल 2001 में उन्होंने आजा मेरे यार फिल्म में काम किया। साल 2002 में नकुल को फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से पहचान मिली। इस फिल्म ने रातों रात नकुल कपूर को हीरो बना दिया और इसके बाद नकुल स्टार बन गए। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार तुमसे अच्छा कौन है से रातोंरात सफलता हासिल करने वाले एक्टर नकुल कपूर की चर्चाएं फेज 3 पार्टियों में होने लगी थी। लोगों का मानना था कि वो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। लोगों का तो ये भी मानना था कि वो बॉलीवुड के तीनों खान को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन फिर अचानक ही नकुल इंडस्ट्री से ऐसे गायब हो गए कि उनके फैंस भी एक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार बीच में एक खबर आई थी कि उनका निधन हो गया। किसी ने कहा कि उनका सड़क दुर्घटना में जान चली गई, तो किसी ने कहा कि बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, लेकिन ये सभी खबरें झूठी थी, जिसने तब सभी को हैरान कर दिया जब खुद एक्टर ने साल 2015 में सामने आकर सबको सच बताया कि वो अभी भी जिंदा है। फिर सवाल ये उठता है कि वो अचानक पर्दे से गायब क्यों हो गए थे। खबरों में दावा किया गया कि नकुल काफी अध्यात्मिक किसान थे और उनकी पहली ही फिल्म हिट हुई तो उन्होंने अध्यात्म की राह पर चलना शुरू कर दिया। भारत छोड़ कनाडा जाकर अपने परिवार के साथ बस गए। यहाँ उन्होंने डिवाइन लाइफ का एक योग सेंटर खोला और फिर लोगों को उन्होंने योग सिखाना शुरू कर दिया। फिलहाल वो अभी अपने इसी काम में काफी ज्यादा व्यस्त है। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट।